गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबको मेरी तरफ से महाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज महाष्टमी है और चारों तरफ से बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा है, तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या ब्लॉग शुरू करूँ, क्या ही करूँ। और सुबह सुबह मन थोड़ा सा उदास हो गया, शुभदीप का फ़ोन ख़राब हो गया। बहुत ही बुरी टाइमिंग है फ़ोन ख़राब होने की। कुछ प्लान्स थे आज, सोचा था नए कपड़े वपड़े पहनूंगी, पर अब मेरा दिल ही नहीं हो रहा है कुछ करने का। एंड ये सुबह सुबह हमें बहुत सही सा नाश्ता मिल गया है, हमने नहीं बनाया, किसी ने दिया है। हाय गाइस, सुबह मैं इतनी उदास हो गई थी कि मेरा दिल नहीं किया कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पूरी सुबह भी ऑलमोस्ट दोपहर के एक बज चुके हैं, मैं लेटी ही हुई थी। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, मतलब शुभदीप के लिए। उसको फोटोज़ निकालने इतने पसंद है, उसको फिल्म्स देखना बहुत पसंद है, ही लव्स वॉचिंग फिल्म्स। बेचारा, मुझे ऐसा लग रहा था। और अब यू कैन अंडरस्टैंड ना, अभी आप रास्ते में निकलो तो बिना फ़ोन के इंसान तो निकल ही नहीं सकता है ना रास्ते में। आपको आवाज़ आ रही होगी अब तक, इतनी आवाज़ें आ रही है ना, पूजा चल रही है ना मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक में पंडाल है। ओके, सो पहली बार आज हमने फ्लिपकार्ट फ्रेश से सब्जियां मंगवाई, बिकॉज सब्जियों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी घर पे। मतलब नीचे जो हमारा ठेला वाला आता है सब्जी लेके, वो उसके दिल, मतलब उसके हिसाब से आता है। कभी उसका दिल किया तो वो आ गया, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो आता ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ मंगवा लेती हूँ। तो कुछ सब्जियाँ आई हैं, फ्रूट्स हमने मंगाए, दो वाटरमेलन और कुछ एप्पल्स। तो मैं उसका भी फीडबैक दूंगी आपको कि कैसा लग रहा है। ग्रूफर्स मेरे घर के एरिया में डिलीवर नहीं करता है, फ्लिपकार्ट फ्रेश फिर भी आके सब्जियां देके गया है और बहुत अच्छी परफेक्ट टाइम पे उनकी डिलीवरी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। रात के टाइम पे भी वो डिलीवरी कर रहे थे, मतलब एक दो घंटे में भी स्लॉट अगर आप बुक करोगे तो वो आके डिलीवरी करके जाएंगे, पर हमने सुबह का स्लॉट लिया था तो बिल्कुल जो टाइम बोला था उन लोगों ने उतने में ही वो आके डिलीवरी करके गए, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। सारी सब्जियाँ, मतलब सी अभी मतलब गाजर और बीन्स के सीज़न तो है नहीं, तो गाजर थोड़ा सा सूखा सूखा आया था। मैं आपको दिखाऊं उससे पहले, क्योंकि मेरा माइंड डिस्टर्ब था ना, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं आपको दिखाऊंगी पैकिंग वैकिंग प्रॉपर, लेकिन उससे पहले ही मेरी ही गलती, मम्मी ने मुझसे पूछा भी, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मैं व्लॉग कर लूँ धोने, मतलब फ्रिज में डालने से पहले सब्जी। और फ्रूट्स की क्वालिटी कैसी वो मैं आपको दिखा दूंगी, बता दूंगी अच्छे से। तो अगर आप में से किसी को मंगवाना है फ्लिपकार्ट फ्रेश में से फ्रूट्स वगैरह, तो आप मंगवा सकते हो। सीजनल चीज़ें मंगवाओगे तो फ्रेश ही आएगी, आई डोंट थिंक कि वो बहुत पुरानी चीज़ें भेजते होंगे। तो ये एक अपडेट हो गया। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, नहा के, अभी मैं नहा के आई हूँ और मैं नए कपड़े भी नहीं पहने। अच्छा, तो अपडेट ये है फ़ोन का कि शुभदीप अभी जाके नया एक फ़ोन खरीद के लेके आए हैं, शायद वीवो का। बट जो फ़ोन वो यूज़ कर रहे थे वो फ़ोन बहुत अच्छा था, तो मैंने उसको बोला कि वो फ़ोन तुम ठीक करवा लो, इसको एक फ़ोन बैकअप के तौर पे होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। महंगा फ़ोन लेना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अभी बहुत खर्चे हैं हमारे सर पे, लेने को तो ले ही सकते थे, तो उसने नहीं लिया। उसने बहुत ही सिंपल वाला ही कुछ लिया है, वीवो का कुछ 15-16 के बीच का कुछ रेंज का उसने लिया है। तो इसलिए मैंने सोच, आई फील कि चलो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, फ़ोन कम से कम ले तो लिया उसने। उसके पास फ़ोन नहीं था, वो मेरी सासू माँ के फ़ोन में सिम डाल के चल रहा था। अच्छा, एक और अपडेट ये है कि मुझे वीडियो शूट करने हैं। एक मैंने हेयर केयर वीडियो जो आप लोगों को प्रॉमिस किया था, उसका इंट्रो आउट्रो शूट करना है, बट ये जो शोर शराबे के चक्कर में ना मैं वीडियो शूट कर नहीं पा रही हूँ। एंड एक और है कि प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं एक अलग से वीडियो बना देती हूँ प्रेगनेंसी सीरीज़ के साथ साथ, ये भी वीडियो कर लूँगी। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर बैठ के सिटिंग, इसमें बैठ के जहाँ पे यहाँ पे ऊपर बैठ के मैं वीडियोस करती हूँ, बट वही अगेन ये है कि शोर शराबा इतना है कि मैं वीडियो कर नहीं पा रही हूँ, गर्मी भी इतनी है, मैं क्या ही क्या क्या बंद करूँ। मैंने सोचा था कि मैं एसी वाले कमरे में बैठ के ये वीडियोज़, अभी जो सिटिंग वाले वीडियोज़ है वो शूट करूँगी, बट अगेन प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये इतना शोर शराबा है। अब अगर बैठी रहूँगी ना तो मुझे अभी हफ्ता भर तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विसर्जन नहीं हो जाएगा ये शोर शराबा चलेगा। नाउ आज हो गया है 13th, 14, 15, 16 को फिर से मेरा चेकअप है। अभी डेट क्योंकि नज़दीक आ गई है तो फ्रीक्वेंटली थोड़ा सा चेकअप होगा, शायद 16 को जाऊँगी। वैसे तो मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ मेरे
अपर एब्डोमेन एरिया में, एकदम एक्सट्रीम अपर एब्डोमेन वाले एरिया में मुझे बहुत जलन महसूस हो रही है. वो किस वजह से हो रही है आई डोंट नो, मैं डॉक्टर से पूछूंगी जाके. हाय गाइस, आई एम शुभदीप एंड दुर्गा पूजा का आज अष्टमी है. सो अष्टमी एंड नवरात्रि का सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मतलब बधाई हो. एंड एक्चुअली मैं अभी मेरा घर पे हूँ, ठीक है. एंड ये जो घर है ये कोलकाता से थोड़ा काफ़ी दूर है और पूजा का छुट्टी में मैं इधर आया हूँ अभी. रिया अब लोग जानते हैं, वो अभी आ नहीं पाए क्योंकि उसको मतलब सी इज़ प्रेग्नेंट राइट नाउ. एंड जो बात सबसे बड़ी बात है जो है यार, एक्चुअली हमारे घर में पूजा होता है एंड लाइक दैट इज़ वेरी बिग. एंड ये थोड़ा जमींदारी खानदान है एंड हम लोगों का घर में ये जो पूजा हो रहा है 277 ईयर्स में आ गया है. एंड दो साल पहले 275 ईयर्स था एंड दैट वाज क्वाइट बिग, क्वाइट ह्यूज. अभी मैं जा रहा हूँ अष्टमी का संधि पूजो देखने, हम लोगों को दिखाने, ठीक है. एंड चलिए देखते हैं कैसा होता है पूजा एंड ऑल. रिया विल पब्लिश दिस वीडियो. सी यू गाइस. পুজো হচ্ছে, সন্ধি পুজো চলছে এবং আমি সেটাকে ভিডিও ক্যাপচার করছি. गाइज, आप सबको मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. पूजा चल रही है, नवमी पूजा. एंड नवमी आती है ऐसा लगता है कि चलो भाई अब तो पूजा अब क्या ही रह गया है, ख़त्म ही होने को आया है. एंड आज के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हमारे घर पे कैसे पूजा होती है. मैं तो नहीं जा पाई इस साल, पर मैं चाहती थी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ दिखा सकूँ, इसलिए मैंने शुभदीप से कहा कि तुम थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड करके भेजो. एंड थैंक्स टू हिम, उसने बहुत अच्छे फुटेजेस रिकॉर्ड करके भेजे. आई होप अगले साल से मैं आपको इलैबोरेटली हमारे घर की पूजा दिखा सकूंगी. एंड यस, मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म करूंगी. आई थिंक ऐसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है. आप सबको वापस एक बार नवरात्रि और महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से. एंड मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय.